येलो बेटा ले ले छोटी वजन बढ़ाओ। अधिकता का लाभ उठाकर चुनाव में चुनावी हथकंडे के रूप में गाय को राष्ट्रीय पशु या राष्ट्र निधि, जैसे मोर को राष्ट्र पक्षी या पृथ्वी के प्रतीक के रूप में उद्भाषित करे, पृथ्वी का दैवीय स्वरूप गोवंश है, तो भी विश्वास मत कीजिए कि वह गोरक्षा का प्रकल्प सरकार तैयार ही करेगी, आगे गोरक्षा के लिए कटिबद्धता का परिचय देगी। यह विदेशी षड्यंत्र है कि हिंदुओं के सनातन वैदिक आर्यों के जो भी प्रशस्त मान बिंदु हैं, तो विकास को इस ढंग से परिभाषित और क्रियान्वित करो कि वे विकृत और विलुप्त हो जाए। उसी में गंगा जी भी हैं, गाय भी हैं। विभाजन के बाद का भारत जैसा होना चाहिए था, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने उस पर विचार किया? ध्यान देकर सुने, या जो आपने बताया सारी विसंगति का कारण क्या है? विभाजन के बाद किनके नाम पर विभाजन हुआ कहने की आवश्यकता नहीं, आप सब जानते हैं। विभाजन के बाद भारत को स्वतंत्रता मिली। अब आप सुनिए, स्वतंत्र भारत की शिक्षा पद्धति हमारी संस्कृति हमारे विज्ञान के अनुसार है क्या? सनातन सिद्धांत के अनुसार क्या नीति अध्यात्म से समन्वित शिक्षा पद्धति है क्या? नहीं। हमारी रक्षा प्रणाली है क्या? नहीं। कृषि गौरक्ष वाणिज्य के प्रकल्प हमारे अपने हैं क्या? नहीं। सेवा के प्रकल्प उद्योग के प्रकल्प हमारे अपने हैं क्या? नहीं। संविधान की आधारशिला हमारी अपनी है क्या? नहीं। स्वतंत्र भारत में भी हिंदू एक नंबर का नागरिक अब तक है क्या? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? स्वतंत्रता मिलने पर भी जैसे कोई गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करने के बाद भी गंगा के प्रति अत्याचार नहीं छोड़ा, उसी प्रकार स्वतंत्रता मिलने के बाद भी भारत को उतना परतंत्र सैद्धांतिक धरातल पर बना दिया गया जितना कि यह भारत परतंत्रता के दिनों में नहीं था। इसीलिए जब तक हमारे सिद्धांत के अनुसार हमको शासन तंत्र नहीं सुलभ होगा, तब तक हम जितनी विसंगतियां हैं उनको दूर कर उन पर पानी फेर कर अपने अस्तित्व आदर्श की रक्षा का मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकेंगे और पूरे विश्व को भी स्वस्थ मार्गदर्शन देने में हम समर्थ नहीं हो सकेंगे।